नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम चर्चा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से आज आजम खान से सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने मुलाकात की, अखिलेश यादव के चाचा हैं, और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो विधायक बने हैं, उन्होंने जिस तरीके से लगातार वो अखिलेश यादव से नाराज होने के बाद आजम खान से मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी से रामपुर के विधायक हैं और बड़े ही कद्दावर नेता है, सीतापुर जेल में बंद है इन दिनों, वो उनके कुछ दिन पहले मीडिया सलाहकार हैं फसाहत अली खान, उन्होंने कहा था, बयान दिया था मीडिया में कि अखिलेश यादव आजम खान साहब के साथ बेरुखी कर रहे हैं, यही नहीं मुसलमानों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो उनके कोर वोटर है मुस्लिम उन्हीं का अनादर कर रहे हैं, उनसे मिलते नहीं है, उनके शरीर से उन्हें बदबू आती है, वो केवल उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां तक उन्होंने कहा था फसाहत अली खान ने कि आजम खान जो कि जिनका की समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान था, पहली बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और हमेशा से उनके पीछे मुस्लिम वोटर्स रहे हैं, उनके एक इशारे में मुसलमानों की जो है वो समाजवादी पार्टी को पड़ती रही है। इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने मौका मिलते ही धोखा दिया, उन्हें प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर जीतते तो, वो बनना तय था, लेकिन अगर हार गए तो प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें आजम खान को बनाना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही बन गए। तो फसाहत अली खान का यह आरोप बड़ा ही गंभीर रहा, लेकिन फसाहत अली खान एकमात्र समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है जिन्होंने ये अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है मुसलमानों को धोखा देने का। एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे नेताओं के नाम, जैसे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, ये संभल से सांसद है, समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं और इनका योगदान बहुत बड़ा है समाजवादी पार्टी में। आप संभल से सांसद हैं, इन्होंने भी अखिलेश यादव पर मुसलमानों के अनादर का आरोप लगाया कि मुस्लिम जो उनके कोर वोटर हैं उन पे समाजवादी पार्टी उनकी आवाज नहीं बुलंद करती। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों पर लगातार जोर चलता है, उन मनमानी होती है उनके साथ, लेकिन अखिलेश यादव एक शब्द तक नहीं बोलते, तो समाजवादी पार्टी तो और भी बड़ी गुनाहगार है भाजपा से ज्यादा, ऐसा बर्क साहब का कहना है। तो अखिलेश यादव पर उनका भी निशाना रहा है। डॉक्टर मसूद अहमद जयंत चौधरी की रालोद पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम जो मनमाफिक नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम जो वोटर थे उनका साथ नहीं ले पाए, मुसलमानों को उन्होंने धोखा दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सरकार नहीं बन पाई। यही नहीं, जयंत चौधरी ने भी हमला किया था अखिलेश यादव पर, आपको याद होगा। तो उनका भी एक तरीके से पार्टी छोड़ना, रालोद को छोड़ना और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाना बहुत कुछ कहता है। अब बात करते हैं सिकंदर अली, जो सहारनपुर के नेता हैं, रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने तो अखिलेश यादव को कायर तक कहा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव कायरों की तरफ पीठ दिखाते हैं, मुसलमानों को कायरों की तरफ पीठ दिखाते हैं, जो दशकों तक उत्तर प्रदेश में जिनका शासन रहा, कभी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, कभी अखिलेश यादव रहे, कभी विपक्ष में रहे, तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको, उनके लिए किसी काम के नहीं है, उनका वो सही इस्तेमाल नहीं करते, केवल वो खाली बयान देते हैं और उनको कहीं ना कहीं उन मुसलमानों का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये सिकंदर अली साहब है, उन्होंने कहा मुसलमानों का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब अदनान चौधरी है सहारनपुर के, कासिम राइन है सुल्तानपुर के, ये वो नेता है जिनका मुस्लिम वोटर्स में अच्छा पकड़ बताई जाती है, अच्छी पकड़ बताई जाती है, इन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इरशाद खान है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, मोहम्मद हजमा शेख है, ये बिजनौर के नेता है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम जो चेहरे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ी, अखिलेश यादव की पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया, उनके साथ उनका कहना है कंधे से कंधे मिलाकर चले, लेकिन वो समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ सकी, उसकी मूल वजह थी कि अखिलेश यादव का नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर था, वो मुसलमानों का भरोसा तो जीत लेते थे लेकिन जो उनके कोर वोटर्स हैं यादव, उनसे कहीं ना कहीं यादवों को एकजुट नहीं कर पाए, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हुई और अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम जो लोग हैं, नेता हैं, वोटर्स हैं, उनका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके काम नहीं आते। तो एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुश्किल में इन दिनों हैं, और आज जिस तरीके से आजम खान से सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने मुलाकात की,
तो ये भी एक बहुत बड़े समीकरण की तरफ जा रहा है। क्या शिवपाल यादव आजम खान के साथ मिलकर एक समीकरण बना सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि शिवपाल यादव लगातार चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता उनके टच में रहे हैं, उनसे मुलाकात होती रही है, योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन वो संभावनाएं अभी छिड़ नजर आ रही हैं। तो आजम खान से मिलना एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा तो नहीं है? यही नहीं, जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, वो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज जो मुस्लिम वोटर नेता हैं उन पर उनका वो उस पर नजर हो, उन्हें मिलाना चाहते हो और एक नया समीकरण बनाना चाहते हो, क्योंकि उन्हें भी लग गया कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़के तो उन्हें कोई बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ। जो आंदोलन वो छेड़ रहे थे, जो बात करते थे किसान आंदोलन की, कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा तो नहीं कि ये इन जो नाराज नेता है, चाहे वो कोई भी हो समाजवादी पार्टी का, उन्हें लेकर एक समीकरण बनाए। आपको याद होगा आजम खान की जो बात कर रहा हूं मैं, आजम खान दरकिनार कर दिए गए हैं। ये उनके लोगों ने कहा, उनके करीबियों ने कहा कि खुद नहीं चाहते अखिलेश यादव कि आजम खान जेल से बाहर आए, उनका कद बढ़े, वो चाहते हैं वो जेल में पड़े रहे और राजनीति उनकी जैसी चल रही चलती रहे। तो आजम खान के इस के साथ इस तरह के बर्ताव से समाजवादी के तमाम नेता नाराज हुए और वो अखिलेश का साथ छोड़ते गए और आरोप लगाते गए। अब एक बात और है कि आजम खान पे, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उनका भी उन पर नजर है आजम खान पे, तो कहीं आजम खान के साथ वो भी एक समीकरण बना सकते हैं? जी हाँ, तो हमने आपको बताया कि आजम खान पर AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है उनकी भी नजर है, क्योंकि वो एक मुस्लिम चेहरा है बड़े, तो उनके साथ मिलकर भी गठबंधन बनाई जा सकती है क्या? ऐसे समीकरण पे भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण बन रहे हैं वो अखिलेश यादव को मुश्किल में डालते हैं और अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब देखना यह है कि राजनीति का जो बिसात है और उसकी करवट आगे क्या होगी, क्योंकि राजनीति में कयास ही लगाए जा सकते हैं, लोग मिलते हैं जुलते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, तो वो समीकरण क्या बनता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब बने रहिए आप भारत की तस्वीर के साथ, हम आगे भी इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। नमस्कार।